मंदिर में नव दुर्गा पूजा के उपलक्ष में अभी बहुत सुंदर आप पूजा का दर्शन कर रहे थे। पंडित जी के द्वारा बड़ी अच्छी पूजा की गई और हम नव दुर्गाओं का स्मरण कर रहे थे। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, ये पांच देवियों का हमने उपासना की, उनका दर्शन किया कल तक। आज की जो देवी हैं, छठे दिन की देवी का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी देवी, कात्यायनी माता की जय। इनको कात्यायनी क्यों कहते हैं तो थोड़ा सा समझना चाहिए कि आज की जो देवी हैं, नौ दिन की नौ दुर्गा हैं, तो कात्यायनी इनका नाम क्यों पड़ा। एक कत नाम के कोई ऋषि थे, कत, और कत ऋषि के पुत्र हुए, उनका नाम हुआ कात्य। और कात्य गोत्र में एक महात्मा प्रकट हुए, एक महर्षि, उनका नाम हुआ कात्यायन। तो कत के कात्य और कात्य गोत्र में कात्यायन, ये कात्यायन ऋषि हैं, बड़े भारी महर्षि, ये माता जी की पूजा किया करते थे, माता जी की उपासना करते थे। तो ऋषि की इच्छा हुई कि माता मेरे घर में कन्या बनकर आए और मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। बहुत वर्षों तक घनघोर तपस्या, कठोर तपस्या महर्षि कात्यायन ने की थी। तो जब आपने कथा सुनी है कि महिषासुर नाम का जो राक्षस था, महिषासुर जो भैंसे के रूप में देवताओं को कष्ट देता था, धरती पर उसने बड़े अत्याचार किए, तो सब लोग दुखी हुए, देवताओं की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा, विष्णु भगवान ने शंकर भगवान से कहा, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब देवताओं ने विचार किया कि भगवती को, जगदम्बा को प्रकट होना चाहिए। इसके लिए सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया।
ब्रह्मा ने अपना तेज, विष्णु ने अपना तेज, रुद्र ने अपना तेज, इंद्र ने, वरुण ने, कुबेर ने, सबने अपना तेज दिया, तो वो शक्ति के रूप में प्रकट हुई। और वही जो महिषासुर मर्दिनी, जो महिषासुर को नष्ट करने वाली देवी, उनकी उपासना कात्यायन ऋषि ने की, तो कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री के रूप में आई। और कात्यायन ऋषि के घर में आई थी, इसलिए इनका नाम हो गया कात्यायनी। कात्यायन की बेटी होने से, पुत्री होने से इनको कात्यायनी कहा गया। और इनके संबंध में कथा है कि जो क्वार का महीना और क्वार के महीने में जो आपने 16 दिन तक पितरों की पूजा की, एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, श्राद्ध जिनको बोलते हैं, पूर्णिमा से लेकर भादों की पूर्णिमा से लेकर और अमावस्या तक, तो अमावस्या के पहले दिन क्वार के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवरात्र से 2 दिन पहले चतुर्दशी के दिन माता जी का जन्म हुआ था, कात्यायनी देवी का। और इन्होंने जन्म लिया, फिर जन्म कर्म च मे दिव्यम, माता जी जन्म लेकर ऋषि के घर में नवरात्र व्रत जो ऋषि ने किया था उस पूजा को स्वीकार किया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, सातवें दिन, आठवें दिन और नौवें दिन की जो पूजा है, सप्तमी, अष्टमी और नौमी, जो 3 दिन अभी हमारे आज के छोड़कर बाकी रहते हैं, तो तीनों देवियों के नाम है। सप्तमे दिन की कालरात्रि है और आठवें दिन की जो देवी है उनका नाम है महागौरी, और नौवें दिन की जो देवी है उनका नाम है सिद्धिदात्री। तो ये सात, सप्तमी, अष्टमी और नौमी की 3 दिन की कात्यायन ऋषि की पूजा को इन्होंने ग्रहण किया, स्वीकार किया। और फिर दशमी के दिन, दशमी माने विजयदशमी, जो दशहरा होता है, आपने कथा सुनी है कि दशमी के दिन देवी भागवत में कथा है, मैंने आपको कल सुनाई थी, तीसरे स्कंद की कथा देवी भागवत में, कि भगवान श्री राम जी ने नवरात्र व्रत किया था और नवरात्र व्रत करके नौ दुर्गा की उपासना की। अष्टमी को रात को माता जी प्रकट हुई राम जी के सामने और फिर माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया राम जी को, और नौमी के दिन उनकी पूजा संपूर्ण हुई और दशमी को राम जी ने रावण को मार दिया था। ये भी कथा देवी भागवत में है कि माता जी की पूजा करके राम जी ने रावण को मारा था। उसी प्रकार से माता ने स्वयं ही कात्यायन ऋषि की पूजा को स्वीकार करके और दशमी के दिन विजयदशमी जो अभी आने वाली है, जैसे आज हमारी षष्ठी है, कल सप्तमी है, परसों अष्टमी है, फिर जब नौमी और दशमी, तो दशमी के दिन माता जी ने महिषासुर नाम के राक्षस को भी मारा था। जिस दिन रावण मरा उसी दिन महिषासुर भी मरा। रावण को राम जी ने मारा था और महिषासुर को माता जी ने मारा था। उनका नाम ही है महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी माता की जय। जय तो कात्यायनी देवी का ही दूसरा नाम है महिषासुर मर्दिनी। एक नाम इनका कात्यायनी है और दूसरा महिषासुर मर्दिनी है। इसलिए आप कात्यायनी देवी की पूजा करें तो भी महिषासुर मर्दिनी की पूजा अपने आप ही हो जाती है, स्वाभाविक ही हो जाती है। थोड़ा सा मैंने आपको जो कल निवेदन किया था कि
माता जी ये सारे जो देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर ये सारे के सारे देवताओं को माता जी ने एक सुंदर विमान में बिठाया और माता जी अपने लोक में ले गई और वहां ले जाकर माता जी ने अपना सुंदर लोक दिखाया जो भगवती का लोक है। तो ब्रह्मा जी ने वहां उस लोक का दर्शन किया, विष्णु जी ने दर्शन किया, शंकर जी ने दर्शन किया, इंद्र ने, वरुण ने, कुबेर ने, सबको आनंद आया। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मेरा अलग लोक है, विष्णु का अलग लोक है, शिव जी का अलग लोक है, इंद्र का अलग है, इंद्रपुरी सब देवताओं के लोक हैं, लेकिन ये भगवती का जो लोक है ये तो ऐसा हमारा लोक तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी सुंदर कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर ब्रह्मा जी माता जी का जैसे कभी आप देखते हो ना किसी व्यक्ति को आप रोज मिलो, लेकिन जब कभी उसके घर जाओ और उसका देखो कितना बड़ा घर, इतना बड़ा उसका वैभव, इतनी बड़ी उसकी विशेषता, तो ब्रह्मा जी उसका दर्शन, माता जी का दर्शन करने लगे, विशेष रूप से इनकी प्रतिभा को देखने लगे। तो देखते देखते उनके दाहिने चरण के ऊपर ब्रह्मा जी की दृष्टि गई और दाहिने चरण के ऊपर दाहिने चरण के नाखून को देखने लगे। तो जैसे नाखून को देखते ही उसमें क्या दिखाई पड़ा ब्रह्मा जी को कि नाखून के भीतर उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़े, कि माता जी के पैर के नाखून में अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़े और उसमें अनेकों ब्रह्मा दिखाई पड़े, अनेकों विष्णु दिखाई पड़े, अनेकों शंकर दिखाई पड़े। तब ब्रह्मा जी का अभिमान चूर चूर हो गया कि मैं तो अपने को बड़ा भारी ब्रह्मा समझता हूं और ये माता जी के नाखून में कितने ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडों में सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मा जी हैं, करोड़ों विष्णु जी हैं, करोड़ों शंकर हैं। ये माता जी की फिर उनकी लीला को समझ नहीं पाए तो हमारे महात्माओं ने थोड़ा सा स्मरण किया, आप जरा सा गुनगुनाइए, बड़े प्रेम से गाइए, बड़े आनंद से।